राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, चलिए हम अपने महाग्रंथ को कंटिन्यू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है लुधियाना रेलवे स्टेशन का किस्सा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्यारी साध संगत जी, होशियारपुर में संपन्न हुए सत्संग समारोह के पश्चात हुजूर साहब ने वापसी के मार्ग में फकीरचंद जी द्वारा लिखित एक पुस्तक खरीद ली। उनका विचार था कि दिनोद की ओर लंबे रेल यात्रा के दौरान यह पुस्तक उनके समय को मनोरंजक बना देगी। जब वे सभी दिनोद के लिए रवाना होने हेतु लुधियाना रेलवे स्टेशन पर अपनी अगली ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हुजूर साहब के मन में विचार आया कि इस खाली समय में वह पुस्तक का अवलोकन करे। वे बड़े महाराज जी और अन्य सहयात्रियों से कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे शांतिपूर्वक बैठकर उस ग्रंथ को पढ़ने में तल्लीन हो गए। उस समय बड़े महाराज जी, जो अपने साथ आए शिष्यों के साथ बातचीत में व्यस्त थे, अक्सर अपनी दृष्टि हुजूर साहब की ओर डाल रहे थे। उनका मन बार बार हुजूर साहब की ओर आकर्षित हो रहा था। कुछ ही क्षणों में बड़े महाराज जी ने अपने शिष्यों की संगत छोड़कर हुजूर साहब के पास जा पहुंचे और उत्सुकता से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। हुजूर साहब ने उत्तर दिया कि वे सत्संग स्थल से लाई गई एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पर बड़े महाराज जी ने मुस्कुराते हुए हुजूर साहब से कहा, मास्टर, यह किताब तेरी समझ में नहीं आएगी। हुजूर साहब के दिल को बड़े महाराज जी की यह बात बेहद चुभ गई और उनमें तीव्र क्रोध की लहर दौड़ गई। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि वे दिनोद गांव के चुनिंदा सुशिक्षित निवासियों में से एक हैं और अंग्रेजी भाषा के अध्यापक हैं, जबकि बड़े महाराज जी, जो स्वयं अशिक्षित है, उनसे कह रहे हैं कि वह किताब उनकी समझ से परे है। अज्ञानता में हुजूर साहब ने मान लिया कि बड़े महाराज जी उन पर तंज कस रहे हैं। उस समय वे मन ही मन बड़बड़ाई, परंतु बड़े महाराज जी के समक्ष उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने सोचा कि पहले वे इस किताब को पूरी तरह पढ़ लेंगे, फिर बड़े महाराज जी से इस पर तर्क वितर्क करेंगे। लगभग 1.5 साल बाद जब हुजूर साहब ने बड़े महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की, तब उन्हें संतों के मार्ग, उनके आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों और महत्व का अनुभव हुआ। एक दिन हुजूर साहब बड़े महाराज जी के चरणों में आकर झुक गए और आंसू भरी आंखों से माफी मांगने लगे। बड़े महाराज जी ने चकित होकर पूछा कि वे इतने परेशान क्यों हैं। हुजूर साहब ने उत्तर दिया, महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आज मेरी आंखें खुली हैं, मैं आपका अपराधी हूँ। होशियारपुर में आपने मुझसे कहा था कि मास्टर, तू इस किताब को नहीं समझ सकता। उस समय मुझे आप पर बहुत क्रोध आया था। मेरे मन में विचार था कि मैं इतना शिक्षित हूँ और आप तो शिक्षा का कह कह गए भी नहीं जानते। आप कैसे समझ सकते हैं कि मैं इसे नहीं समझ पाऊंगा। मुझे बहुत अहंकार था और मैंने आपको एक साधारण मनुष्य मान लिया था। बड़े महाराज जी ने हुजूर साहब के इस सच्चे और मासूम पश्चाताप को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें इस बात की हर्षानुभूति हुई कि हुजूर साहब ने आत्म मूल्यांकन की चेतना का विकास कर अपने अंतर मन के अहंकार को साफ करना आरंभ कर दिया है। एक साधक के जीवन में अपने दोषों को स्वीकारना और उन पर काम करना एक महत्वपूर्ण चरण है। हुजूर साहब को नाम दीक्षा और अभ्यास के बाद ही यह बोध हुआ कि उस दिन रेलवे स्टेशन पर बड़े महाराज जी का इशारा उस उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की ओर था, जिसके वे स्वयं एक अनुभवी और जानकार थे। प्यारी साध संगत जी, इस महाग्रंथ को कल हम यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।